द जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा अप्स भी आते हैं। और ये मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता आ रहा हूँ कि ये और बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 68/68। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फायदे जो नाइट आउल्स होते हैं यानी वो स्टूडेंट जो रात को पढ़ाई करते हैं तो उनको चाहिए कि अब से जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, तो बंदा रिलैक्स हो जाता है जो माहौल होता है उससे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम इसकी तरफ जाते हैं कि काइंडली थोड़ा इसके बारे में बता दें कि मॉक टेस्ट और FLPs के हवाले से कुछ स्टूडेंट ऐसे मैं जो है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है ना ये भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ द MDCAT शो। अच्छा, तो एज़ यूजुअल हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमारे शो में तो इंशाल्लाह अच्छे ही गेस्ट आ रहे होंगे, तो ये भी उनमें से एक लिस्ट में से एक अच्छे नंबर पर है। अच्छा, माशाल्लाह से इनका अपना चैनल है हारून, आप पहचानते भी होंगे, शायद आपने इनको देखा भी होगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो हम इसकी तरफ जाते हैं कि इनसे पहले इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और फिर हम आगे जाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून खान कैसे हो? मैं अच्छा हुआ, बताया कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े हैं, खैर खैरियत है। अच्छा जी हारून खान, आप थोड़ा सा अपनी MDCAT जर्नी के हवाले से इनको बता दें कि आपकी MDCAT की जर्नी कैसी थी और फिर आप मेडिकल कॉलेज आएँ, तो इस पर थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाएँ। अच्छा, तो MDCAT की जो जर्नी होती है ना वो बाज़ दफ़ा जो लोग कहते हैं तो वो बहुत टफ कर देते हैं और कुछ बहुत ईजी कर देते हैं, बट आई थिंक इट्स जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा अप्स भी आते हैं और डाउन भी आते हैं इसमें। सो बेसिकली जो ये स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरा एक दोस्त था तो उसका जो MDCAT क्लियर हो गया तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम भी MDCAT के लिए प्रिपरेशन करो, लेकिन मैंने उससे कहा कि ये मेरी नहीं है, क्योंकि मैं समझता था कि ये टॉपर्स के लिए होते हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, इसके लिए जस्ट आपको जो है वो अच्छी गाइडेंस चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी टेस्ट होता है। और ये मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता आ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईजी टेस्ट होता है, बस जस्ट आपको जो है वो सही गाइडेंस चाहिए होती है। अच्छा, सो जो मैंने फर्स्ट टाइम जो MDCAT टेस्ट दिया था ना, वो तो मैंने इनको बताया भी था कि वो मैं सिर्फ टेंशन की वजह से रह गया था, क्योंकि मैं समझता था कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट होगा। और जब मैं टेस्ट के लिए गया तो जब मैंने क्वेश्चन देखे तो इतनी ईजी क्वेश्चन थी कि मैं आपको बता नहीं सकता जी। तो बस जब हॉल से निकला तो बस एक ही रिग्रेट थी, और वो ये था कि मैंने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से क्यों नहीं की और मैंने क्यों टेंशन लिया। सो बस यही एक वजह होती है कि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट होता है, लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो इसका ख्याल रखते हैं ना कि इसमें हर तरफ से स्टूडेंट आ रहे होंगे, तो कुछ MCQs वो ईजी बनाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा मॉडरेट, और फिर जो वो होते हैं कि मेरिट लिस्ट को ऊपर नीचे जो करते हैं 20% MCQs पर वही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह का है। और जो पहले जो MDCAT होता था ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, उसकी वजह ये थी कि PMDC का कोई सिलेबस नहीं था। अब तो माशाल्लाह सिलेबस भी आ गया, उन्होंने बताया भी है कि 70% रिकॉल बेस्ड MCQs, और वो 70% रिकॉल बेस्ड MCQs का मतलब ही यही है कि वो जो है सिंपल बुक लाइंस होते हैं। सो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बस मैंने जो है PMDC सिलेबस को फॉलो किया। और फिर जब मैं दूसरी दफ़ा टेस्ट के लिए गया तो बस मैं बिल्कुल फ्री होके गया कि टेंशन नहीं लेनी इस बार, और इस बार जो है वो पढ़ के आना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ये चीज़ काफ़ी वो करती है, मैटर करती है कि आप मोटिवेटेड हो के जाएं, आप अपने काम पर आपको भरोसा हो। बिल्कुल, मैंने जो किया है ये मैंने काफ़ी किया है एंड आई कैन डू विद दिस। बिल्कुल, अगर भरोसा ना हो और थोड़े से शक होने लगे तो उसकी वजह से काफ़ी फिर बंदा ख़राब होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात है। अच्छा जी, तो ये अभी लास्ट फ्यू डेज़ रहते हैं, तकरीबन 10 दिन रहते हैं, 10-11 दिन, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करें कि स्टूडेंट अभी क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, तो इन लास्ट डेज़ में जो होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल संडे टेस्ट के लिए जाते हैं इस तरह, बट मेरा जो है मेरी अपनी जो ये स्ट्रेटजी थी ना, मैं सारा दिन रिविजन करता था, क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो पहले जो है वो आप ट्रेवलिंग करते हैं एकेडमी के लिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर जो आपने वहाँ 3 घंटे 3.5 घंटे बैठना होता है, फिर जब आप वापस आते हैं तो मतलब वो सारा दिन आपका चला गया, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हाँ, दिन की एनर्जी ड्रेन, बस वो दिन फिर आपका चला गया, फिर आप दूसरे दिन भी जो है वो थोड़े से थके हुए होंगे। तो बस मैं ये समझता था कि रिविजन जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो इन लास्ट डेज में जो है वो मैं सिर्फ रिविजन करता था।
बुक्स की सारी रिवीजन आप यही सजेस्ट करते हैं कि आप रिवीजन करें? हाँ बिल्कुल, बुक्स की रिवीजन करता था। और एक जो मैं प्लस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ना तो वो ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागते हैं। सो आई थिंक इट्स ओके फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं, बट फॉर बायोलॉजी आई डोंट थिंक आप जो है वो शॉर्ट नोट्स यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। और बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 68x68 एमसीक्यूज टीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी वो एक एज है इस सब्जेक्ट में। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एज है इस सब्जेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा ये बता दें कि स्टूडेंट के लास्ट जो डेज अभी चल रहे हैं, सो दे आर मोस्टली इन टेंशन, एन्जाइटी, और इनको डिप्रेशन हो रही है, और वो अक्सर ये मैसेजेस आते हैं कि हम काम नहीं कर पाते तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, तो इसके हवाले से इनको थोड़ा गाइड करें कि टेंशन ना लें और इस चीज़ों को मैनेज कर लें। अच्छा, तो ये जो है एक MDCAT एस्पिरेंट जो है वो ख़ुद भी यही समझता होगा कि जब मैं टेंशन लेता हूँ तो वो सारा दिन जो है वो मेरा बेकार चला जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल, जब क्योंकि देखें ना, ये हर इंसान जो है वो खुद सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो बिल्कुल एक आइडियल सा बंदा था और मैं बिल्कुल फ्री नहीं, टेंशन मुझे भी होती थी, लेकिन मैं सोचता था इस बारे में कि अगर मैं टेंशन लूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फ़ायदे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आए। तो बस फिर जो है मैंने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना सीखा, और यही है जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। ऐसे ही है, और बस इसी की जो है आपको प्रिपरेशन की जाती है, और टेस्ट ईजी होता है, बस जस्ट आपने जो है अपने नर्व्स कंट्रोल करने होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ये चीज़ बिल्कुल है कि पर्सन, और एक चीज़ ये है कि टेंशन बंदे को तब होती है जब उसने काम नहीं किया हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात। इफ़ यू हैव अ शेड्यूल, आपके पास शेड्यूल है कि मैंने किस दिन को क्या करना है, और अल्लाह पे यकीन है साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंदे कह रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट का ये मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी हमें वो डाउट हो रहा है कि हमें वो नहीं अच्छा आ रही है। मैं आपको जो है भाईजान इस पॉइंट पर स्टॉप करना चाहूँगा। जी जी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता या रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें जो है यही बात सामने आती है कि ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। जी जी। तो ये जो है ये कोई आप जो है कोई यूनिक बने नहीं है, आपका ये मसला नहीं है, ये टॉपर हर स्टूडेंट का यही मसला होता है कि उसको इन दिनों में लगता है कि इनको कुछ भी नहीं आता, बट बिलीव मी उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आते हैं और वो सारे कवर कर लिए होते हैं, लेकिन जैसा एक मन में एक जो है वो एक डाउट सा होता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको सब कुछ आता है, बस अपने शेड्यूल पर, मैं तो ये कहूँगा अपने शेड्यूल पर जाते रहें। हाँ बिल्कुल, आपने जो शेड्यूल बनाया है उसी के मुताबिक जाते रहें, टेस्ट वगैरह जो होंगे, जो MCQs प्रैक्टिस करनी है, जो रिवीजन करनी है, सब वही करते रहें। हाँ बिल्कुल, और अल्लाह के साथ कनेक्शन बना के रखें। हाँ, क्योंकि बहुत मैरेकल्स हो सकते हैं अपनी आंखों से देखे हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें कि MDCAT डे, उस दिन टेंशन भी काफ़ी होती है और हल्ला गुल्ला भी बना हुआ होता है रश के वजह से, और फिर जब आप हॉल में जाते हैं इतने ज़्यादा लोग देखते हैं तो उसकी वजह से भी एक टेंशन बनी रहती है, तो इसके हवाले से थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो किस तरह अपनी नर्व्स को मेंटेन करें और टेस्ट डे पर क्या उनका उनकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। अच्छा, पहले जो है ना आप जो है वो टेस्ट के पहले जो है वो आप नींद पूरी लें, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हाँ, एक और बात जो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ये जो नाइट आउल्स होते हैं, यानी वो स्टूडेंट जो रात को पढ़ाई करते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने शेड्यूल को जो है वो चेंज कर ले, और जो टेस्ट की जो टाइमिंग है ना, आप टेस्ट के दिन जिस टाइम उठते हैं वही जो है आज से अप्लाई कर ले। तो ये जो है ये मैंने अप्लाई की थी क्योंकि मैं भी जो है सारी रात पढ़ता था, तो ये एक मेन चीज़ है। दूसरी बात, जब आप टेस्ट डे होता है तो आपने जो है वो हल्का नाश्ता करना है, ऐसा भी नहीं करना कि बस बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना कि बस बहुत सारी चीज़ें खा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है पर्सन का, तो ज़्यादा भी नहीं खाना होता है, और एनर्जी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा बहुत खाना। हाँ, थोड़ा, और जो है एक चॉकलेट जो है वो भी खा लें, ताकि जो मैं ठीक कहूँगा अपने साथ ही रख ले एक दो चॉकलेट कुछ हो। नहीं, शायद जो पिछली बार के पीके में हुआ था तो उसके मेरे नहीं ख्याल के जो पिन जो है वो भी अलाउड होगा अंदर। अच्छा, वो हाँ, नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, वो खुद दे रहे थे, जो जूस है वो उनसे ले रहे और पी ले, जैसा कोई मसला ये नहीं। अच्छी बात है, थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी पर्सन हाँ, मिल जाए, और जब जूस वो दे रहे तो फिर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहें टेस्ट डे के हवाले से? हाँ, एक और ये बात है ना कि जब आप जाए तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग जो है वो मिलेंगे, कुछ जो है वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, कुछ मजाक मस्ती कर रहे होंगे,
तो बस आपने जो है वो, मैं यही कहूँगा कि डरना नहीं है, क्योंकि बस 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ACI होते हैं, बिल्कुल ACI होते हैं, किसी ने फोर्स किया होता है कि भाई जाके टेस्ट दे दे, उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की होती। बस आपने जो है वो रिलैक्स होकर बैठना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले। आप जो है ना, आप जो किसी और के फेसेस को देखेंगे तो आपको जो है वो हंसी आएगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बस है। आपने जो है वो बस दुआ पढ़नी है, अपने आप पर चुप करनी है और बस बैठ जाना है, और जो आपके जो इर्द गिर्द है ना उससे जो है थोड़ी बहुत जो है वो कम्युनिकेशन करे, इससे जो है वो इंसान के दिल को इत्मीनान मिल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उनसे पूछे कि कितनी प्रिपरेशन की है आपने, इंग्लिश कैसा कवर किया, केमिस्ट्री किस सीख की, कौन से एकेडमी जो है वो ज्वाइन की। तो बस ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपसे जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तो बंदा रिलैक्स हो जाता है, जो माहौल होता है उससे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, मैं तो साथ में ये सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ें डिस्कस करें जो आपको टेंशन ना दे। हाँ, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से पूछें कि फिजिक्स कैसे किया था, और वो तो कहे कि मैंने तो 20 रिवीजन किए हैं। हाँ, ऐसा और नहीं आपके हालात अगर खराब नहीं, ऐसा तो इररिलेवेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपने कोई ऐसा बंदा ढूंढना है ना जिसने कुछ भी ना किया हो, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी। ये भी है, बस ऐसा कोई हो। बस ये चीज़ ये है कि नर्व्स को कंट्रोल करना है। जो आपने सब कुछ अभी तक पढ़ा है वो वही आपने सब कुछ अभी 3.5 घंटे में उसको एक्सप्रेस करना है। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज़ को आपने मैनेज करना है और अपनी सारी जो एनर्जी है, सारी जो प्रिपरेशन है, सारे जो आपने दुख दर्द सहे हैं अभी तक, उनका रिजल्ट आपने देना है इस टाइम में, और वो टेंशन में नहीं हो सकता। आप रिलैक्स होंगे, काम होंगे, तो आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। बिल्कुल, कोई ये जो है ये नहीं देखता कि इस बच्चे ने जो है वो 1 साल मेहनत की थी, बल्कि आपकी 3 घंटे देखेंगे कि आपने इसमें कैसा परफॉर्म किया है, तो बस इस पर फोकस करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम इसकी तरफ जाते हैं कि काइंडली थोड़ा इसके बारे में बता दें कि मॉक टेस्ट और FLPs के हवाले से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोई मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व नहीं करते हैं, और जब फिर चले जाते हैं MDCAT टेस्ट के डे पर तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं वहाँ पर। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने जो है वो तकरीबन, अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया तो अभी से जो है वो तकरीबन 2 या 3 जो है वो FLP जो है वो अटेम्प्ट कर ले, और टाइम मैनेज करना भी सीखे। अपने लिए जो है वो बबल शीट होता है वो भी जो है फोटोकॉपी बना ले इसकी, और उस पर जो है वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि फिर जो है वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं करना, देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि किसी भी एकेडमी के जो है वो टेस्ट उठा ले और उससे जो है प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट उठाएंगे तो फिर जो है वो आप डीमोटिवेट होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप जो है वो डिफिकल्ट टेस्ट भी उठा लेना और आपसे MCQs गलत भी हो जाए तो आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गए मुझसे, बस उससे जो है वो टाइम मैनेज करना सीखे। और मैं ये स्टूडेंट को बार बार बताता हूँ कि MDCAT टेस्ट जो है ये एकेडमी टेस्ट से 10 टाइम जो है वो ईजी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो हमने अकेडमीज वगैरह के टेस्ट दिए थे और जब फिर इधर आए हैं तो काइंड ऑफ हमारा तो सीन अलग था, लेकिन बाकी इसका तो KMC वाला सीन था, वो टेबलेट्स वाला वो तो कुछ और ही था। हाँ, तो बस यही है कि FLPs जो है उससे अपने आप को जज ना करें, और बस इसे जो है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करें। अगर आप इससे अपने आप को जज करेंगे तो फिर जाहिर बात है डीमोटिवेट भी होंगे, तो बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे दें। अच्छा, साथ में मैं जो स्टूडेंट पहले से देखते आ रहे हैं तो उनको मैंने ये बताया हुआ है कि आपको ऐसे MCQs वो खुद डालते हैं ताकि आप ज़्यादा से नंबर ना लें, वो यही चाहते हैं। हाँ, कि आप थोड़ा सा लिमिट में रहें। हाँ, तो कुछ MCQs वो एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, सो आपने उस पर उसका टेंशन नहीं कर। देखिए एक बात है, कुछ MCQs सॉल्व करने के लिए नहीं होते, वो जो है वो टाइम वेस्ट करने के लिए होते। बट आपको जब वो MCQs नज़र आए कि ये टाइम वेस्ट करनी है, तब उससे एक्स लगा दे और दूसरे MCQs में चले जाए। फिर जब टाइम रह जाए तो बेशक उस MCQs के पास आ जाए, उसे सॉल्व कर ले। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि कुछ MCQs जो है वो सॉल्व करने के लिए नहीं होते, और जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो आपसे टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर जो और MCQs होते हैं ना वो आपसे रह जाते हैं। सो मैंने पहले भी बताया कि इट्स द गेम ऑफ नर्व्स, और फिर भी बता रहा हूँ कि अपने कि यही जो है इसमें आपने काबू पाना है, और इसमें जो है स्मार्टली जो है इससे डील करना होगा, बस यही। अच्छा जी हारून मियाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं तो उसकी तरफ थोड़ा जाते हैं, इनको थोड़ा सा वो करें। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक पर्सन ही पूछते हैं कि हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में फिज़िक्स फार्मूलास, इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसकी तो मैंने जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की थी, जो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो मैंने जो है
एक पेज इस पर लिखी थी और वो मैंने जो है वो दीवार पर चिपकाई थी। बिल्कुल, वो वीडियो में एक वो चीज वो हाँ, आपने दिखाई थी पूरी, तुम्हें मैंने दी। हाँ, वो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर भी करता था। तो मैं जब सुबह उठता था तो उससे जो है वो तकरीबन एक चैप्टर करता था, लेकिन जब एक नहीं होता था तो आधा करता था, आधा जो है वो फिर रात में करता था, लेकिन उसे देखता जरूर था जी। और मैं जो है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है ना, ये भूल जाते हैं। तो जब मैं रिएक्शन पढ़ता था तो उसको जो है वो रफ सा बस रटन प्रैक्टिस करता था। तो जब मैं टेस्ट में भी बैठता था तो एक क्वेश्चन जब आ जाता था तो वो मैं अपना वो रिएक्शन जो है वो बना लेता था। तो बस इससे जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है इंसान की। फिर जो फिजिक्स है उसमें जो है फॉर्मूलाज, तो गूगल पर जो है ना बहुत सारे फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएंगे। आप जो है उससे फोटो कॉपी निकाल ले या जो है पिक्चर स्क्रीन शॉट्स ले ले और जो है रोजाना जो है उसमें एक चैप्टर या अभी जो है टाइम कम है तो बस दो तीन चैप्टर कर ले। वो बहुत ज़्यादा ईजी फार्मूलाज होते हैं फिजिक्स के, तो इस तरह जो है वो ईजिली रिवाइज हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो लास्ट डेज अभी रहते हैं तो इसमें मैं FLPs करूँ या प्रैक्टिस MCQs सॉल्व करूँ या रिविजन करूँ, कि किस तरह मैं अपनी उसको बूस्ट कर सकूँ? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है ना, अगर आपने अभी MCQs नहीं की तो ज़रूरी बात है कि आप MCQs प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन आपका जो है वो MCQs प्रैक्टिस सब कुछ हो चुका है तो आई थिंक इन लास्ट मैच में आपको चाहिए कि आप रिवीजन करें, रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और मैं जो है हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की ऑफ मेडिकल कॉलेज। ऐसा ही है, क्योंकि जितने पर्सन को मैंने अभी तक पॉडकास्ट किया है तकरीबन एवरीवन इज़ सेइंग यार रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही चीज़ आपके माइंड में बैठती रहेगी एंड यू कैन फिर इजीली रिकॉल भी हो सकती है ऑन दैट टेस्ट डे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि लास्ट वीक के बारे में थोड़ा सा बता दें और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का स्पेशली वो कर दें, लास्ट वीक के हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे लास्ट वीक में क्या करना चाहिए इनको। अच्छा, तो ये तो मैंने पहले ही बताया ना कि आपको जो है पहले जो है वो अपना स्लीप शेड्यूल जो है वो ठीक करना चाहिए जी। और मैं फिर भी बता रहा हूँ कि बस रिवीजन करें और इन लास्ट डेज में जो है वो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, जो एडिशनल आपको जो है वो कुछ जो आपके दोस्त होंगे वो आपको कहेंगे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो है वो उसके पीछे लग जाए, कभी जो है वो YouTube पर सर्च करना शुरू करें, तो ये चीज़ ही ना करें। बस जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है आपके लिए, बस यही आपके ये कहना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये तो मुझे मुखातिब किया है कि आई हैव क्वेश्चन, लेकिन आप ये आंसर करें। आई हैव क्वेश्चन इन माई माइंड, आई स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई हैव सॉल्व मैनी MCQs, बट आई हैव टेंशन दैट हाउ आई वुड रिवाइज ऑल दिस स्टफ, कि मैंने किस तरह किया है और मुझे अभी डाउट सा हो रहा है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जो आपने जो है वो ऑलरेडी जो है सब कुछ किया है तो फिर इसमें जो है इतना कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपने जो बैठना है सिर्फ और बस पढ़ना है, रिवीजन ही होती है ना, आप जो है उसे बार बार देखें तो बस यही रिवाइज होगा आपके लिए। और जो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए है तो उसके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुक ज़रूर देखें और शॉर्ट लिस्टिंग भी देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी वही है कि बस रिएक्शन देखें, एक्सेप्शन देखें उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जो मेरी न्यू वीडियो आ रही है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने बताया है कि जहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वहाँ आते हैं एक्सेप्शन। ऐसा ही है। हाँ। और यही जो है ये हॉट टॉपिक है जो MDCAT वालों के लिए होता है, यहाँ से जो है MCQs पिक कर लिया जाता है, तो बस आपने जो है इसका ख्याल रखना है और इसमें इतना कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कंसर्न अबाउट इंग्लिश प्रिपरेशन एंड हाउ टू रिवाइज, इंग्लिश के हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या। सो आई थिंक इसके लिए जो है आपने बस सर नसीर अब्बास को फॉलो करना चाहिए, उनके लेक्चर जो है वो फाइल्स में भी मिल जाते हैं और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन बेहतर है कि आप वो फाइल किसी से ले लें और वो जो है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी ये कुछ डेज रहते हैं इसके लिए आप क्या वो करते हैं, इंग्लिश में क्या करें, किस तरह रिवाइज करें और वो सारी चीज़ें? अच्छा, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इन्होंने कोई नोट्स बनाए हो ना तो बस उसी को रिवाइज करें, बस यही जो है उसके जो फॉर एग्जांपल जो ट्रिक्स हैं ना वो याद रखें, क्योंकि वो भूल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, तो बस उसे रिवाइज करें। तो कुछ जो इंग्लिश में भी वो काइंड ऑफ एक्सेप्शन होते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ लगानी है और इसके साथ ये नहीं लगानी। हाँ, बिल्कुल, वो चीज़ें थोड़ा सा आपने उनका ख्याल रखना है, सो आई थिंक सो कि फिर इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी, जो इंग्लिश है ना, तो मैंने जो है पहले भी बताया, अभी फिर भी बता रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स, टॉपर्स, एवरेज स्टूडेंट और ये जो फेल होते हैं वो भी कुछ हद तक बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कर लेते हैं, लेकिन ये जो
सिलेक्शंस की बात आ जाती है तो इंग्लिश जो है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये काफी मेरिट को ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मार्जिन जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है इंग्लिश को जो है वो स्किप ना करें और इंग्लिश को जरूर करें, ये आपको जो है वो बहुत फायदा देगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं वो पूछ रहे हैं कि मैं काफ़ी स्लो हूँ, तकरीबन मैं दिन में सिर्फ एक या दो चैप्टर कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ और जो स्टूडेंट है वो काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो मुझे इसकी वजह से टेंशन हो रही है, तो काइंडली इसके हवाले से गाइड करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो है ये बताना चाहूँगा कि आप जो है किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। हर किसी की जो है वो स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, जो लर्निंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है। मेरे जो है मेरे ख़ुद के दोस्त थे, जब मैं दो तीन चैप्टर्स कर लेता था एक दिन में, तो वो कहते थे कि हमने आधा बुक रिवाइज कर लिया। लेकिन ये जो है फिर बात आ जाती है कि आपने जो है वो कितना, आप जो है पूरा बुक भी कर ले लेकिन आपने जो है वो कुछ पिक नहीं किया होता तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि पहले जो है तकरीबन तीन चैप्टर या फोर चैप्टर एटलीस्ट कर ले, और ये जो है दूसरी बात कि अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। यार आप यूनिक है, बेस्ट है, इंशाल्लाह हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और साथ में ये भी है कि आपने एफएससी में कोर्स पढ़ लिया, आपने एमडीकैट के लिए पढ़ लिया, रिवीजन भी की होगी, अभी लास्ट डेज में मतलब एक और रिवीजन हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक चैप्टर पर इतना टाइम गुजारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कोशिश करें जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करें, जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं, जो चीज़ें आपने हाईलाइट की है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, बस उसको एक दफ़ा फिर आपकी नज़र से गुजर जाएं ताकि वो न्यूरॉन का कनेक्शन बना रहे, तो ईजिली वो फिर हो सकता है। तो थोड़ा सा रिविजन का स्पीड आपने बढ़ाना होगा, बाकी एट द एंड आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो मैं हमेशा से जो है ना वो ये कहता हूँ कि आप जो है वो MDCAT के लिए एकेडमी वालों के पीछे मत जाए, क्योंकि वो आपको जो है वो डराएंगे। और आप जो है किसी जो MDCAT में सेलेक्ट हुआ है, जो MBBS में है, आप उससे पूछ ले कि कैसा आता है टेस्ट। और मैं हमेशा यही बताता हूँ कि टेस्ट इजी आता है, बहुत ज़्यादा इजी आता है, तो आपने जो है वो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है ये एकेडमी वाले ही कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं और ये कर लो और वो कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उनका जो है वो अगर डराएंगे नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा। आई एम सॉरी टू से आपके पॉडकास्ट पर ये कह रहा हूँ, लेकिन नहीं इट्स नॉट अ थिंग बट इट्स अ रियलिटी। हाँ बिल्कुल, जनरली दुनिया में एक चीज़ है कि डर बना रहेगा, डर बना रहेगा, काम पैसा बना रहेगा। तो बस आपने जो है डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी जो है वो टेस्ट आता है, और बस आई थिंक बेस्ट ऑफ लक। और 22 को आपका एग्जाम है, और अगर इंशाल्लाह आप बचा खान में आ गए तो यह भी फिर आपसे मुलाकात होगी, यासिर भाई से भी होगी, अच्छी मुलाकात होगी। चलो जी, थैंक यू, और खुश नसीब होंगे इंशाल्लाह वो लोग जो इधर आएंगे। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, इंशाल्लाह आपको जो भी मसले मसाइल आते रहें आप हमें बताते रहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एड्रेस करें अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में आपके साथ कॉन्वे करें। और बस एट द एंड यही है कि गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और एक और बात जो है वो यासिर भाई ने जो है कभी अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि मुझे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बात बताएंगे भी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि इनको जो है इनके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैंने खुद जो है इनको देखा, इनके साथ इंटरेक्शन हुई, तो बहुत ज़्यादा ये जो है मेहनत करते हैं, और चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर ले। चलो ठीक है जी, अभी इसने बता दिया तो कर ले। और बाकी इंशाल्लाह हम यही कहेंगे आपके लिए दुआगो हैं, और वेरी वेरी गुड लक टू यू फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।